हम हवा द्वारा निक्षेपण कार्य और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। निक्षेपित पदार्थों को जानने के पहले हम हवा के परिवहन कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से नदियाँ अपरदित पदार्थों को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं और जहाँ पर नदियों की गति कम हो जाती है वहाँ पर सबसे पहले बड़े शिलाखंड वगैरह या चट्टानी टुकड़े को छोड़ते हुए जाते हैं और मध्यम आकार के कुछ और बीच में और सबसे सूक्ष्म कण समुद्र के आसपास पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से हवा द्वारा भी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें सूक्ष्म कण, रेत कण या बालू कण हवा में साथ में लटकते हुए, उड़ते हुए चलते रहते हैं और जहाँ गति कम होती है वहीं पर वो कण धरातल पर गिरते हैं और वहाँ पर जम जाते हैं। उससे बड़े कण, कुछ मध्यम आकार के कण, वो हवा के कहीं कभी कभी लटकते हुए जाएंगे हवा के साथ में उड़ते हुए और कभी कभी धरातल से लुढ़कते हुए भी जाते हैं। वो कण के आकार के आधार पर है। छोटे कण हवा के साथ उड़ते हुए और कभी कम होगा, हवा की गति कम हो जाएगी उस समय धरातल पर लुढ़कते हुए चले जाते हैं। इसी तरह से बड़े कण हैं तो बड़े कण हवा के साथ उड़ नहीं पाते, वजन होने के कारण वो लुढ़कते हुए जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से परिवहन कार्य है। तो इनसे संबंधित आकृतियों को हम देखेंगे कौन कौन हैं। तो सबसे पहले लोयस है। तो लोयस बारीक कांप यानी धूल के कण होते हैं जो कि उड़ते हुए और बड़े आकार एरिया में वो बीछते जाते हैं, तो ये लोयस कहलाते हैं। तो ये चीन में इसका क्षेत्र है, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये कुछ पीले पीले रंग के और इसकी मोटाई भी बहुत होती है। तो ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है चीन में। तो इस प्रकार से ये कण बहुत बारीक हैं जो कि हवा के साथ में उड़ते हुए जो सूक्ष्म कण हैं उन्हीं की बात है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कण, जो एक अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 85 करोड़ टन धूल कण लगभग 2300 किलोमीटर की दूरी तक परिवहित होती रहती है, बहुत दूर तक। तो ये कण, ऐसा अनुमान है कि सहारा मरुस्थल से यूरोप तक पहुँचते हैं, भूमध्य सागर पार करते हुए तो 2300 किलोमीटर तक। इसी प्रकार से लोयस जो चीन के हैं तो पश्चिम में गोबी के मरुस्थल है, उस गोबी के मरुस्थल से चीन के उत्तरी भाग तक ये इनका पहुंचना होता है। तो वहाँ पर लोयस 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। दूसरे नंबर में बालू का स्तूप है। तो बालू का स्तूप माने टीले, उसके टीले हैं जो को अपन देखते हैं। जैसा कि लोयस को इसमें चित्र के द्वारा एक बार पुनः देखते हैं, इस तरह से बारीक कांप मिट्टी का जमाव रहता है और ये मोटाई 100 मीटर करीब से भी अधिक होंगे। तो ये लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, ये पीले पीले रंग के गोभी के मरुस्थल से, और ये इस तरह से बिछे हुए हैं। तो ये लोयस कहलाते हैं।
बालू का स्तूप सेंट डोन्स, तो ये छोटे छोटे इस प्रकार से टीले होते जाते हैं बहुत से, फिर इस प्रकार से ट्रांसफ़र भी होते जाते हैं इसे, ये आकृतियाँ ऐसे। इसमें ये इसका एक आकार बड़ा है, इसका नाम है बरखान। बरखान का मतलब अर्धचंद्राकार टीला, तो अर्धचंद्राकार टीला माने ये जैसे हवाओं की दिशा इस प्रकार से है, और ये ढलवानुमा यहाँ से जा चढ़ते हुए ऐसे, और इसके बाद इधर ये ढलान इस पर ऐसे हो जाते हैं, इसका ढलान ऐसे ऐसे, तो ये इसको बरखान कहते हैं या अर्धचंद्राकार टीला कहते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर में है क्षारीय मैदान या पलाया। ये पलाया और उसी का एक नाम जो है क्षारीय मैदान कह सकते हैं। तो ये एक यहाँ छोटा सा चित्र है, तो इसमें पर्वतीय भाग हैं, मरुस्थल में होते हैं पहाड़ियाँ छोटे छोटे, तो इन पहाड़ियों से हवाओं का तो है ही, लेकिन जल भी हैं, जैसे कि 25 सेंटीमीटर वर्षा बताई जाती है, तो पर्वतीय भागों में नालियों से इस प्रकार से पानी का आना होता है ऐसे जगह जगह से, इधर से भी ऐसे हो सकेंगे, और ये निचले भागों में झील के रूप में पानी का भरा हो जाता है, और बाद में हवाओं के द्वारा ये भर जाते हैं, तो ये बाद में मैदान का रूप ले लेते हैं। तो चूँकि मरुस्थल में क्षारीय पदार्थ है, खनिज जो कि खारापन से संबंधित हैं, तो वो सभी पदार्थ इन नदियों के साथ में, हवाओं के साथ में यहाँ पर आके जमा हो जाते हैं, और ये एक मैदान बन जाता है, इसी को क्षारीय मैदान कहा गया है, यानी पलाया यही है। इसके बाद है बजाडा एवं पेडिमेंट। तो ये बजाडा इन भागों में सबसे पहले हम देखेंगे पर्वतीय भाग है, ये वही वो एरिया, और इसको बड़े रूप में बताया गया है, तो पर्वतीय एरिया में यहाँ पर ये जो पेडिमेंट है, तो ये घर्षित मैदान कहलाएंगे, यानी यहाँ से कट के, चाहे नदियों के द्वारा हो, कुछ हवाओं का प्रहार से कटा हुआ हो, लेकिन ये जो है एक घर्षित मैदान कहलाएगा, और छोटे छोटे इस प्रकार से जमा भी हो जाते हैं, लेकिन बारीक कण का इस सब में रहेगा, मैदानी क्षेत्र है, तो यहीं के भाग कट के यहीं पर जमा होगा, तो ये मैदानी क्षेत्र है समतल, इसे पर्वत के निचले भाग में, पर्वतपदी अग्रभाग, तो ये पेडिमेंट कहलाता है। फिर इन्हीं भागों के जो कटे हुए पदार्थ हैं, वो यहाँ पर बड़े बड़े रूप में, तो अस्त व्यस्त असंगठित रूप में जमा हो जाते हैं, इसी को बजाडा कहते हैं, बजाडा है, ये कण ये कटे हुए हैं इसलिए कुछ बड़े बड़े। इसके बाद बजाडा से वो फिर नदी इस प्रकार निकल रही है, और उसके बाद ये यही चीज़ है पलाया, यहाँ पर बारीक जो कण हैं यानी सूक्ष्म कण यहाँ जमा हो जाते हैं। तो कभी कभी पूछा भी जाता है पलाया और बजाडा में क्या अंतर है कह के, तो इधर से भी देखेंगे ये पर्वतीय भाग है, और ये भी पर्वतीय भाग है, यहाँ से भी नाली नदी वगैरह और इन नदी का जाना है, और इस प्रकार ये यहाँ पर निक्षेपित पदार्थ हुए, तो ये पलाया और बजाडा, और ये पेडिमेंट है, तो पेडिमेंट एक घर्षित है अपरदन जनित आकृतियाँ कह सकेंगे, लेकिन कुछ पदार्थ यहाँ भी जमे हुए हैं बारीक छोटे छोटे, तो इसको भी हम इसी में ले लेते हैं, तो पेडिमेंट हुआ, तो इन मैदान और इसके बाद ये ढालदार यहाँ पर, ये बजाडा और ये पलाया, तो इस प्रकार से ये आकृतियाँ हैं, और ये मरुस्थली भागों में जो कि कुछ निचले भागों में इनके जो उड़े हुए धूल के कण, रेत के कण हैं, वो जमा हो जाते हैं, और उन भागों में वनस्पतियों को पनपने के लिए मौका मिलता है, कहीं
बहुत अधिक अपर्दित भाग हैं, तो वहाँ पर कुछ वर्षा से कुछ वनस्पतियों वगैरह को भी पनपने के लिए बन जाते हैं, यानी अवसर प्रदान होते हैं। तो इस प्रकार से वायु से संबंधित आकृतियाँ पिछले पीरियड में हमने अपरदन जनित देखे, और आज परिवहन कार्य और निक्षेपण के कार्य और उससे संबंधित विभिन्न स्थल आकृतियाँ को देखे। तो ये हवाओं के आधार पर है, जिस दिशा में हवाओं का रुख हो उसी दिशा में ये सब जाते हैं। और बालू का स्तूप कभी भी, जैसे ये इस प्रकार बने हैं तो हवाएं इस प्रकार आए तो इस साइड में बनना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से इनकी दिशाओं का कोई एक निश्चित क्रम नहीं रहता है, ये इधर उधर होते रहते हैं और अस्थाई हैं। और ये सब स्थाई हैं, ये क्षारीय मैदान जो कि निचले झील का क्षेत्र है, ये बरसात के दिन में ये जल से भरे रहेंगे और बाद में सूख के ये मैदान का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हवा से संबंधित विभिन्न आकृतियों का अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।